आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने दंतौर में उप तहसील कार्यालय का शुभारंभ किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सीएम अशोक गहलोत ने बजट भाषण में इसकी घोषणा की थी और अब विधिवत रूप से काम शुरू किया है। इससे हजारों लोगों को तहसील संबंधी कार्यों के लिए अब खाजवाला नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि अगले बजट में यहाँ कॉलेज स्थापित करने की कोशिश की जाएगी, जिससे यहाँ के बच्चों को हायर एजुकेशन भी घर के पास ही मिल सके। मेघवाल ने कहा कि क्षेत्र में विकास के लिए वे हमेशा प्रयत्नशील है। इस दौरान उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनी और इनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है। इससे पहले उन्होंने गिरदावर कार्यालय में वैकल्पिक रूप से प्रारंभ किए गए उप तहसील कार्यालय का अवलोकन किया और कहा कि शीघ्र ही इसके लिए नया भवन बनाया जाएगा। पांच पंचायत आ रही है जिसके अंदर दंतौर, सत्रह केचम, समयवाड़ा और जीरो आरडी और बल्लर। इन पंचायतों को खाजवाला से काफी दूरी थी और अब इनको वो लाभ जो रजिस्ट्री का है, अंतकाल का है, तहसील संबंधी कागजात संबंधी सारा काम इसी तहसील में होगा। और मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि दंतौर को बजट के अंदर ही घोषणा की थी, आज से शुरुआत हो गई, अनुपाराम जी तहसीलदार यहाँ लग गए और यहाँ के क्षेत्र की जनता को काफी लाभ होगा। इसलिए आज मैंने देखा है यहाँ के काफी उत्साह है, लोगों में खुशी की लहर है। मैंने ये भी घोषणा की कि आगे बजट में मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ एक कॉलेज भी दे दें ताकि आसपास के बच्चों को दूर नहीं आना हो।